फेमस टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी बहुत जल्द कोर्टरूम पहुंचने वाली है, जहां एक तरफ कोर्टरूम में अभीरा अरमान के होश उड़ा देगी ये कहकर कि उसने अरमान से शादी मजबूरी में की थी, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे अभीरा की ये बात सुनकर अरमान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएगा। अभीरा की बात सुनकर अरमान को इस बात पर यकीन ही नहीं होगा कि इस तरह अभीरा ने सबके सामने उस पर उंगली उठा दी है। सीरियल के आगे आने वाले एपिसोड में आप हाई वोल्टेज ड्रामे देखने वाले हैं और इन ड्रामों में बेहद दिलचस्प ड्रामा वो भी होगा जब अभीरा की मजबूरी का राज पोदार परिवार के सामने घर के बच्चे लेकर आएंगे। भाई घर के ये बच्चे पूरे परिवार को बताएंगे कि अभीरा भाभी ने ये सारा का सारा प्लान किया है दादी सा के कहने पर। घर के ये बच्चे सबको बताएंगे कि अभीरा भाभी ने दादी सा के कहने पर मजबूरी में ये सब कुछ कहा। अभीरा भाभी ने दादी सा के कहने पर मजबूरी में अरमान भैया के साथ अपने रिश्ते को तोड़ने की बात कही। अरमान भैया के साथ अपने रिश्ते पर फुल स्टॉप लगाया। भाई दादी सा ने अभीरा को ब्लैकमेल किया है। माधव और विद्या के रिश्ते को लेकर अभीरा से कहा है कि अगर तुम अरमान के साथ तोड़ोगे रिश्ता तभी मैं बचाऊंगी माधव और विद्या की शादी। घर के बच्चे घर की लेडीज के सामने ये पूरा सच लेकर आएंगे। सच सामने आ जाने के बाद दादी सा जब एक्सपोज होती है, अभीरा की मजबूरी जब सबके सामने आती है, रिश्तों में कौन सा नया तूफान आता है देखना होगा।